गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। हमेशा की तरह आज भी थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड और कल से भी ज़्यादा फॉग। उठो उठो बेटा, लो नीर, उठो बेटे। बाहर बता, इतना बुरे वाला फॉग है ना आज, मैं आपको बता नहीं सकती। चलो उठो, पहले बैठ जाओ। ओ ओ, बैठना है, लेटना नहीं है। उठो उठो, वेरी गुड। ओ ओ नीर, प्लीज़ बेटा उठ जाओ, बस निकल जाएगी फिर। बाहर भी देख लो, बहुत ज़्यादा फॉग है। स्वेटर दे रही हूँ आपको। नीर और विनायक को उठाने का टास्क हुआ कंप्लीट और फटाफट से मैंने स्टार्ट कर दी थी ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशंस। और आज नीर को लेके जाना था अपना फेवरेट आलू का पराठा। स्टफिंग भी प्रिपेयर हो गई थी और नीर का टिफ़िन बॉक्स भी रेडी हो गया था। और आज फ्रूट में नीर के लिए मैंने रख दिए थे मिक्स्ड अंगूर। तो सब कुछ किया पैक और नीर रेडी होके चल पड़ा अपने स्कूल के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा टफ काम हो रहा है आजकल। बहुत बुरी वाली फॉग है। क्या जैसा भी वेदर हो, बच्चों को स्कूल जाना है और हमें ऑफिस। फाइनली नीर चला गया स्कूल के लिए और मैंने स्टार्ट कर दी थी लंच की प्रिपरेशंस। आज लंच में मैंने बनाना था न्यूट्री आलू की सब्जी और इसके लिए सोया मिनी चंक्स और सोया ग्रैनुल्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था और थोड़ी देर गर्म पानी में भिगो दिया था। इसकी फुल रेसिपी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड मिल जाएगी। आजकल मॉर्निंग वॉक का टाइम मैं लंच या फिर ब्रेकफास्ट बनाने में यूटिलाइज़ कर लेती हूँ और मॉर्निंग वॉक के लिए जाती हूँ थोड़ा लेट, ताकि फॉग हल्की हो जाए। और ऑफिस के लिए भी थोड़ा सा लेट ही निकलना था क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी पुअर थी आज भी। खैर, लंच प्रिपेयर करके मैं भी चली गई थी अपने मॉर्निंग वॉक के लिए। लग तो रहा था कि फॉग शायद थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उतनी डेंस फॉग थी। बट ठंड में वॉक करने का अपना ही मज़ा है। खैर, अराउंड 3500 स्टेप्स कंप्लीट करके मैं पहुंच गई घर। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाने का प्लान किया था डबल लेयर वाले मूली के पराठे। वॉक पे जाने से पहले मूली को मैंने ग्रेट करके उसमें थोड़ा सा नमक लगा के छोड़ दिया था, ताकि एक्सेस वाटर रिमूव हो जाए। और बाद में उसको स्क्वीज़ करा और मूली के अंदर डाल दिए थे सारे बेसिक मसाले, थोड़ा सा हरा प्याज और साथ ही में अदरक अजवैन। एक पराठे की लोई को मैंने दो में डिवाइड कर दिया था और एक को बेल के उसके ऊपर डाल दी थी स्टफिंग और उसको कवर कर दिया था दूसरी लोई से। और बहुत ही बढ़िया से टेम्पटिंग से डबल लेयर के मूली के पराठे हो गए थे रेडी। डबल लेयर के बनाने से काफ़ी ईजीली मूली के पराठे या फिर गोभी के पराठे, प्याज के पराठे बन जाते हैं, फटते नहीं हैं। आप मूली के पराठे किस तरीके से बनाना पसंद करते हैं कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। खैर, ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ रेडी था, पैक किया और मैं जल्दी से निकल गई ऑफिस के लिए। थोड़ा सा वेट करना पड़ा, फिर उसके बाद आ गए थे मेरे कानपुर कुलीग और हम चल पड़े ऑफिस के लिए। और रस्ते में हमें मिला एज़ यूजुअल बहुत सारा जाम। ट्रैफिक जाम में फंस के ऑफिस पहुंचना तो लाइफ का पार्टी हो गया। खैर, ऑफिस पहुंचे, शाम को ऑफिस से घर और फिर स्टार्ट हो गया था हमारा और नीर का। आज आप स्कूल में भीगे तो नहीं थे? बारिश आ गई थी, स्कूल में भीगे तो नहीं थे आज? उधर आपके रूम में नीचे क्या गिरा हुआ है? क्या बैग है? क्यों बैग नीचे क्यों गिरा? सुखाने के लिए रखा हुआ था। क्या सुखाने के लिए रखा? पानी लीक कर गया। अब सूख गया यार। अब तो उठा के रखो ना उसे ऊपर। किताबें भी गीली हो गई हैं? हैं? हाँ। हैं? किताबें गीली हुई हैं? आप तो मना कर रहे थे। अरे चुप क्या है ये? चुप कर के नहीं, सच बताओ, उधर किताबें गीली हुई हैं? सुनो, ये बता क्यों नहीं रहा है? इधर आओ, बुक्स दिखाओ, अपनी सारी बुक्स दिखाओ बैग की। नहीं नहीं नहीं, नहीं गीली है। नहीं गीली हुई है। आप बॉटल से मतलब पानी पी के ठीक से उसको बंद नहीं करते ना टाइटली? ठंडा ठंडा पानी पीने में मजा आएगा। कल ना घबराना नहीं है और मैडम को अपना आइडिया बता देना प्रेजेंटेशन का, ठीक है? अपना आइडिया बता देना, घबराना मत। बता देना कि मैम आई थिंक वी कैन डू लाइक दिस, ऐसे करके बोल देना। बात कर रही हूँ, मेरे से तो आप सुन लो मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ। एक काम करो नीर बेटा, थोड़ी सी हेल्प कर दो, चलाओ सोफे के ऊपर कपड़े पड़े हुए ना, उनको ध्यान से उठाओ और इसको अपने बेड के ऊपर रख के आओ, मैं बाद में संभालूंगी। आराम से, ध्यान से ऐसे ले जाओ। अरे खराब मत करना प्रेस बेटा, प्रेस डैम वो नहीं, नहीं खराब मत करो। एक काम कैसे, हाँ जैसे भी लेके जाओ, खराब मत करना बस, ठीक है? अगर हो गए तो मेरी गलती, आप ही की गलती होगी। फिर रख के आओ, अपने रूम में रख दो। मेरी येलो लाइट हटा दो ना बेटा, येलो लाइट बंद करो, ये नहीं है, एक और जलाओ, ये एक और वो नेचुरल लाइट, वो वाइट लाइट जलाओ। देने आए थे, कौन से आए थे?
थे देने के लिए कि वो हमने मंदिर में लगा के रख दिया। जो चैप्टर आप टिक मार्क लगा दो बस, ऐसे इसके ऊपर टिक मार्क लगाओ, दिखेगा कैसे। 13 के ऊपर लगाओ, ऐसे ऐसे 13 के ऊपर लगाओ, इधर लगा दो, इधर हाँ इधर लगा दो ताकि क्लियर दिखे ना। ठीक है, ये आपका हो चुका है। इंग्लिश का कौन, या पहले डांस जब सीखते थे तब की है ना ये? हाँ। नीर आपने क्यों छोड़ दिया डांस सीखना, कितना अच्छा करते थे आप डांस। डांस में डाल देती हूँ आपको, नहीं होगा। इसमें चश्मा टूटा था आपको पता है? कौन सा वाला? इसमें मैंने फेंका था इतनी जोर की चश्मा टूट गया था। इसमें टूट गया था। मन कर रहा है मेरे को वापस से आपको डांस क्लास में डाल दूं ताकि आप डांस सीखो। आ गया तो क्या हो गया, दोबारा जा तो सकते हो आप डांस क्लास में। कितना अच्छा डांस करते हो आप नीर, ये तो आप छोटे हो बहुत, पता है कितने इयर्स के हो? 6 इयर्स के हो आप। शायद नहीं करवाते। डांस क्लास ज्वाइन कराते हो थोड़ा टाइम? नहीं बोलो। नहीं जब कोरोना चल रहा था तब मैंने आपको डांस क्लास ज्वाइन करवाई थी। पिकअप वन बुक ऑफ योर चॉइस फ्रॉम दैट चूया कलेक्शन। ऐसे ही मैं इंग्लिश में बात करने का मन कर रहा है। जो इंग्लिश में बोलते हैं ना तो आप थोड़ा बहुत हमें सीरियसली लेते हो, हिंदी में बोलते हैं तो आपको लगता है कि कुछ भी करते रहो। सुनो मैं क्या, एक डिक्शनरी रख लो साथ में जो पड़ी हुई है डिक्शनरी। बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे, पूरी तरीके से बारिश स्टार्ट हो गई है। तो लाइट भी चली गई, क्या हो गया? ओए नीर बिजली भी कड़क रही है पूरी तरीके से। स्वेटर वेटर नहीं पहनना ना, तो बस ऐसे ही फिर फिक्स बिल्कुल ऐसे ही होके बैठे रहोगे, यहीं पे बैठ के रिवाइज करो और मुझे आवाज़ लगाओगे, मैं यहीं पे आके सुनूंगी। इसी तरीके से बैठना है, ये हुल्ले लेने नहीं चाहिए आपकी शॉल। मैं अपनी शॉल आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप टिक के बैठ जाओ, या स्वेटर पहनो, बताओ क्या करना है। एक जैकेट से तो काम चलने नहीं वाला। आधी बाँ का स्वेटर अंदर पहन लो, ऊपर जैकेट कर लो। ठीक है पहनो, शॉल पहन के बैठो फिर। दिखाओ ना कैसा लग रहा है। क्या देखे ऐसा लग रहा है, ऐसे लग रहे हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमेंट करना मैं कैसी लग रही हूँ। चलो वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करियो। कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, डिलीशियस, having a very pleasant taste, effort, इसको ठीक से लो, effort, the physical, पहले अच्छे से लो जैसे मैंने दे रखी थी, lick, to move your tongue across something, कैसे, delicious, मैं कैसे करोगे, acting भी करोगे, मतलब आपको पता है कि the thali was very delicious, ये थाली तो हिंदी वर्ड नहीं है, आपने गुजरात से होके आ रखा था, तो थाली तो वो वर्ड हो गया हिंदी का, इंग्लिश में क्यों लिखा हुआ है? ये इंग्लिश की पढ़ाई है नीर, कि ये मतलब इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है कि खाने पीने की है? फेवरेट, माय फेवरेट डिश इज मटर पनीर। क्या है ये? दाल मखनी हो रही है। माय फेवरेट कलर इज येलो। कुछ सब इंग्लिश में लिखो ना, तो 0 नंबर अगर मिल जाएगा मेरे को मत बोलना फिर। मटर पनीर वगैरह थोड़ा ना लिखते हैं ऐसे हिंदी में, इंग्लिश में हिंदी। माय फेवरेट डिश इज ब्लैक लेंटिल्स। ब्लैक लेंटिल्स मटर ऑन टॉप। ये लिख दो ठीक है। विद 8 सर्कल रोटी, 8 सर्कल ब्रेड। ब्लैक लेंटिल्स ठीक है विद बटर, वो दाल मखनी हो जाएगी वो ठीक है। आपने ना आखिरकार ही उतार ही दी, नहीं मानते ना कोई बात आप। रात होते होते दिल्ली NCR में मौसम बिल्कुल बदल गया था और बहुत ही तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। खैर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।